हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप दिख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले वीवो Y51 के टॉप 10 प्लस एडवांस फीचर्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे हो, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुँचा दे रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास वीवो Y51। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी परसेंटेज है वो दिख नहीं रहे, तो वो आपको कैसे इनेबल करना है। तो दोस्तों आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैटरी। बैटरी पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज लिखा हुआ है, इसको आपको इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बैटरी परसेंटेज जो है वो शो होने लग चुके हैं। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। अगर आप इस फ़ोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो आप कैसे ले सकते हो। तो आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है, और यहाँ पे दोस्तों एस कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, तो सिंपली वहीं पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इसमें लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको ऐसे नीचे की तरफ स्वाइप करना है, आपको जितना स्क्रीनशॉट उठाना है आप उठा सकते हो, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा लॉन्ग स्क्रीनशॉट है वो जो उठ चुका है इसमें। तो आप देख सकते हो आप इसमें से जूम भी करते हो तो इसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी है वो बिल्कुल भी फटती नहीं, यानी कि ब्लर नहीं होती। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। अगर आप इस फ़ोन में किसी भी ऐप्स को लॉक करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो आपको ऐसे स्वाइप अप करना है, फिर यहाँ पे दोस्तों जो भी पे क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली ऐप लॉक पे आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैटर्न लगाना है तो भी लगा सकते हो, 4 डिजिट पासवर्ड लगाना है तो भी लगा सकते हो। तो मैं इसमें 4 डिजिट पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाई पासवर्ड लिखा हुआ है, और आंसर में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्स इनक्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। और दोस्तों इनमें से आप जो जो ऐप्स लॉक करना चाहते हो इसको आप इनेबल कर दीजिए। जस्ट एग्जाम्पल हम एल्बम को लॉक कर देते हैं, फिर क्रोम ब्राउज़र और फाइल, ये 3 ऐप्स हमने लॉक की है। तो हम अभी उसको ओपन करेंगे तो हम इसमें पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा। यहाँ पे लिखा है एंटर यूअर प्राइवेसी पासवर्ड। तो फ्रेंड्स इसमें आप अपना पासवर्ड जो डाले थे वो एंटर करोगे तो ही आपका जो ये ऐप्स है वो ओपन हो पाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। अगर आपको इस फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और आप चाहते हो कि पूरी डिस्प्ले के अंदर लाइट हो तो वो आप कैसे इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में फ्रेंड्स जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको लाइट इफेक्ट, वहीं पर आपको क्लिक करना है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, इसको इनेबल कर देना है। फिर लास्ट में चले जाना है, यहाँ पे लिखा है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी डिस्प्ले के अंदर ऐसे लाइट होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको जो पसंद है वो आप अपने हिसाब से चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो, आपको जो भी इनमें से लाइट पसंद है वो। तो मैंने ये वाली अप्लाई कर दी। और दोस्तों आप बाहर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी इफ़ेक्ट देखने को मिल जाती है, जैसे कि फेस रजिस्टर एनिमेशन, तो इसमें भी कुछ इस तरह से आप आइकन चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी इस फ़ोन में हमने फेस रजिस्टर नहीं किया है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको चार्जिंग एनिमेशन में भी इफ़ेक्ट देखने को मिल जाती है, तो आप चाहो वो आप इसमें से भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको USB इनसाइडेड एनिमेशन, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं तो फ्रेंड्स इसमें से भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको डायनामिक इफेक्ट में सारी इफेक्ट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहीं पर सिंपली आपको एक बार क्लिक करना है,
और फ्रेंड्स नीचे की तरफ आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो टच वाइब्रेट, यानी कि आप इसमें ऐसे टच करोगे तो ये फ़ोन वाइब्रेट करेगा। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है मैसेज सेंड साउंड, यानी कि आप किसी के साथ मैसेज कर रहे हो इसके फ़ोन का जो मैसेंजर आता है उससे, तो आप जैसे मैसेज सेंड करोगे तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है टच साउंड्स, तो ये सब बेसिक फीचर्स है, ये शायद आप जानते भी होंगे, बट जो नहीं जानते उनके लिए है ये वीडियो। तो ये था साउंड का फीचर्स। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, अगर आपको इसमें OTG कनेक्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको सेटिंग्स के अंदर ब्लूटूथ एंड डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सिंपली एक बार आपको क्लिक करना है, फिर दोस्तों यहाँ पे OTG का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इसको इनेबल करना है, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे आपकी जो पेन ड्राइव है वो लगानी है, तो आपको शो होने लग जाएगी आपकी OTG पेन ड्राइव। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, अगर आपके इस फ़ोन में कुछ ऐसे सेटिंग्स हो चुके हैं कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते, यानी कि कुछ ऐसा सेटिंग हो गया है जो आप ठीक नहीं कर सकते और आप उसको ठीक करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वो उसके लिए आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स आपको सेटिंग्स में चले जाना है, फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सिस्टम, सिस्टम पे दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट ऑल सेटिंग्स, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है और आपके जो सारे सेटिंग्स जैसे थे वैसे हो जाएंगे, जैसे आप नया फ़ोन लाए थे वैसे सेटिंग्स हो जाएंगे सेटिंग ऑल रीसेट ऑल सेटिंग करने से। तो आपके जो कुछ सेटिंग्स ऐसे कुछ हो चुके तो वो इस ऐसा करने से ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको वन हैंड मोड करना है इस फ़ोन में, यानी कि सिंगल हाथ से आपको इस मोबाइल को यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेबिलिटी पे जाना है, यहीं पे सिंपली एक बार क्लिक करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वन हैंड मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डेमो देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से ये इनेबल होता है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से काम करता है वन हैंड मोड, यानी कि सिंगल हाथ से आप इस मोबाइल को आसानी से चला पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको इजी टच का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, इसको आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप शॉर्टकट कीज जो है वो यूज़ कर पाओगे, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फ्लैश, फिर होम स्क्रीन, इजी टच सेटिंग्स, बैक, कैलकुलेटर, लॉक स्क्रीन वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे आप इजी तरीके से आप जो है शॉर्टकट का आनंद उठा सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आए और आपका ये जो फ्लैश है वो ऑन ऑफ हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेबिलिटी पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है इनकमिंग कॉल्स, और यहाँ पे दोस्तों और एक ऑप्शन दिया गया है मैसेज, तो इन दोनों को आपको इनेबल करना है। जैसे ही दोस्तों आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है या कॉल्स मैसेज वगैरह आता है, तो आपकी बैकलाइट जो है वो ऑन ऑफ होती रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट स्प्लिट, ये कैसे काम करता है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल हम ये ओपन कर लेते हैं और फेसबुक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अगर आप इस फ़ोन में एक साथ दो ऐप्स चलाना चाहते हो तो वो कैसे आप इनेबल कर पाओगे, तो आप इस तरीके से कुछ जो है वो कर पाते हो, इसमें से दो ऐप्स एक साथ चला सकते हो। जैसे कि ऊपर हमारा किसी के साथ मैसेज चालू है तो मैसेज भी कर पाओगे और फेसबुक भी चला पाओगे, यानी कि इस तरह से आप कोई भी दो ऐप्स चला सकते हो इस मोबाइल में। और दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक से फीचर्स की, यानी कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की। ऑब्वियसली ये जो फीचर्स है वो सब आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप ज़्यादा रात को मोबाइल यूज़ करते हो तो ये डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी आंखों को प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि ऑन वेल नेवर टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको भी इनेबल कर सकते हो, यानी कि आपकी जो डिस्प्ले है वो कुछ येलो शेड में हो जाएगी, यानी कि जो ब्लू लाइट आपकी आंखों में आती है वो नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट, तो यहाँ पे अभी 30 सेकंड्स है, यानी कि आप इस फोन को ऐसे ही छोड़ दोगे तो 30 सेकंड्स के अंदर ये लॉक हो जाएगा।
तो मैं इसको 30 मिनट कर देता हूँ, आपको जितना करना है आप कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो, मैंने इसको ऑफ रखा है। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन कलर्स, तो आप अपने हिसाब से स्क्रीन कलर भी चूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे फ्रंट साइज, यानी कि आपको इसके जो फ्रंट है वो कम लग रहे हैं या छोटे बड़े हैं, तो आप यहाँ से उसको प्लस माइनस भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे फ्रंट स्टाइल, तो इसमें अभी दो ही फ्रंट दिए गए हुए हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे डाउनलोड मोर का ऑप्शन भी है, आप इसमें अदरवाइज और भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन, ये सब तो हमारे किसी काम का नहीं है। और दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिजिटल वेलबींग। तो दोस्तों इसको आपको यूज़ करना है तो बहुत ही ईजी है, शो यूआर डेटा पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये मोबाइल कितने टाइम यूज़ किया वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है, जैसे कि 23 बार हमारा मोबाइल लॉक अनलॉक हुआ है, 7 नोटिफिकेशन आए, और कुल मिला के हमने 27 मिनट मोबाइल को यूज़ किया है। तो आई होप यू गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।